जय हिंद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है अग्निवीर ऑनलाइन। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अग्निवीर टेक्निकल ट्रेनिंग के बारे में। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में ही टेक्निकल ब्रांचेस होती हैं, उनमें किस तरीके की ट्रेनिंग होने वाली है, कहां पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है, जिसमें कि जाके आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी ट्रेड हो वहाँ पे आपको उसकी बुक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज को वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच होती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जिसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो आर्मी में टेक्निकल ब्रांच होती है जिसमें कि आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में जाओगे, जिसमें कि आप आर्टिलरी में जा सकते हो, आर्मर्ड में जा सकते हो, इन सब जगहों पर आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। नेवी में आप SSR के थ्रू जाओगे और एयरफोर्स में साइंस, जिसको कि पहले हम एक्स ग्रुप बोलते थे। तो ये तीन ही ब्रांचेज ऐसी हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में टेक्निकल जहाँ पे काम होता है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्मी में जो टेक्निकल ब्रांच होती है उसमें क्या ट्रेनिंग होती है, उसके लिए हमको गो थ्रू करना पड़ेगा इस पैराग्राफ के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है कि भैया तीन टेक्निकल आर्म्स होती हैं प्योरली इंडियन आर्मी में, जिसको कि कोर ऑफ इंजीनियर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, देन होता है कॉर्प ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, तो देखा जाए मोटा मोटा तो कॉर्प ऑफ इंजीनियर होगी, EME वाले लोग होते हैं और सिग्नल वाले, तीन जो ट्रेड्स हैं इनमें टेक्निकल नॉलेज आपको आना चाहिए। और इन सब में डिपेंड करता है कि आप और आपको किस तरीके का टेक्निकल काम सिखाया जाएगा, वो डिपेंड करता है आप किस यूनिट को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे मेजरली अगर आप कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट रिलेटेड काम होगा, जिसमें कि आपको पुल कैसे बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्ट अगर कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें आने वाली है। बात करते हैं कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की, तो ये लोग मेजरली डील करते हैं वेपनरी में, वेपन सिस्टम्स में, और जो भी मतलब सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स हमारी इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है उसमें। एंड थर्ड है हमारा कॉर्प्स ऑफ सिग्नल, सिग्नल वाले मेजरली टेली कम्युनिकेशंस को ये लोग लुक आफ्टर करते हैं। अब कैसे एक फील्ड एरिया में कम्युनिकेशन पहुंचाना है, क्योंकि वहां पे टावर्स तो होते नहीं है, तो ऐसी जगहों पर हमारे कोर ऑफ इंजीनियर्स काम आते हैं। मेजरली जो आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग सेंटर में आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी जो कि हर एक सोल्जर को आनी चाहिए, बट देन जो आपकी एडवांस ट्रेनिंग होगी उसमें आप इन सब चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग लेने वाले हो जो आपका कोर होगा। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, ये सब टेक्निकल नॉलेज मिलेगा आर्मी वाले अग्निवीर को। बात करते हैं नेवी के टेक्निकल ब्रांच की, तो नेवी की टेक्निकल ब्रांच होती है हमारी SSR। SSR में जैसे बेसिक आपका ट्रेनिंग होगा 4 महीने का जो चलता है चिल्का में, उसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें से ड्रिल सिखाई जाएगी, आपको फायरिंग सिखाया जाएगा और वो सब चीज़ें जो कि एक बेसिक सोल्जर को आनी चाहिए वो सब आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको शिप ट्रेनिंग कराया जाएगा। शिप ट्रेनिंग के अंदर शिप में जो भी इक्विपमेंट होता है, जिस भी तरीके से टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो आपको सिखाई जाएंगी, एंड देन आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी सिखाई जाएगी, क्योंकि एयरफोर्स एंड नेवी इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ प्रोफेशनल जॉब्स। वहाँ पे आप आर्मी की तरह दौड़ भाज नहीं करते, वहाँ पे आप शिप में या एयरक्राफ्ट के साथ ही रहते हो अपने, तो वहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग आना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से होने वाली है नेवी के अग्निवीर की ट्रेनिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांच, जिसको कि पहले हम एक्स ग्रुप बोलते थे। तो उसमें इनिशियल आपकी जो ट्रेनिंग होगी 14 से 16 वीक की ट्रेनिंग होगी, जिसमें कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, जिसमें कि आपके फील्ड क्राफ्ट, वेपन हैंडलिंग, ड्रिल, ये सब चीज़ें जो कि एक सोल्जर को आनी चाहिए वो आपको सिखाई जाएंगी। देन होगी ट्रेड वाइज ट्रेनिंग। ट्रेड वाइज ट्रेनिंग मतलब अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं तो आपको रेडार्स के ऊपर, एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, मशीन्स के ऊपर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा। और उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें कि आप जिस यूनिट को ज्वाइन कर रहे हो। अब क्या होता है एयरफोर्स में अलग अलग यूनिट्स अलग अलग एयरक्राफ्ट्स के साथ होती हैं, तो वहाँ पे जो भी एयरक्राफ्ट होगा, भले ही वो लॉजिस्टिक हो, फाइटर हो या कोई सा भी एयरक्राफ्ट हो, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड देन कंटिन्यूस लर्निंग जो आपकी चलती रहती है जब तक आप उस यूनिट में हो। तो इस तरीके से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो सर्विसेज हैं उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग्स को इस तरीके से डिवाइड करा गया है। आई होप आप सब समझ गए होंगे किस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलने वाला है टेक्निकल ट्रेनिंग का। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में जाके भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसी प्यार देते रहिए। जय हिंद।